आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हमने अक्सर सुना है कि अपना वक्त आएगा, पर अपना वक्त आता नहीं है, अपना वक्त दिखाना पड़ता है। और आजकल के नौजवान सोशल मीडिया से बहुत इंस्पायर होते हैं, कामों से इंस्पायर होते हैं, फिल्मों से इंस्पायर होते हैं। तो वो अक्सर ये जुमला बड़ा मतवातर कहते हैं कि अपना वक्त आएगा, मगर अपना वक्त आता नहीं है, लाना पड़ता है। देखिए, 100 अफराद ने कमेंट लॉटरी डाली हो ना, तो एक शख्स की निकलती है, 99 अफराद को अपना वक्त लाना पड़ता है। एक शख्स की किस्मत की देवी उस पर मेहरबान होती है तो उसका वक्त आ जाता है, 99 को लाना पड़ता है। फिर आप खेलों को देखें, दौड़ लगा रहे हो ना, तो जो सबसे ज्यादा ताकत से मेहनत से दौड़ता है, जिसकी रफ्तार तेज होती है, तो उसका वक्त आता है और वो जीतता है। हॉकी का मैच हो तो जो टीम ज्यादा मुतहरिक होती है मैदान में, ज्यादा मेहनत करती है, जिसके पास ज्यादा टेक्निक होती है, उसी का वक्त आता है और वही जीतता है। आप टेनिस देख लें, जिस खिलाड़ी ने ज्यादा एफर्ट की होती है, मेहनत की होती है, उसी का वक्त आता है। दूसरे खिलाड़ी के लिए वो अपना वक्त लाने के लिए फिर मेहनत करनी पड़ती है, फिर मैदान में कूदना पड़ता है, फिर एफर्ट करनी पड़ती है, फिर कोशिश करनी पड़ती है, फिर उसका वक्त आता है। अपना टाइम नहीं आता, अपना टाइम लाना पड़ता है। हमें हमारे पाकिस्तानी कौम को, हमारी नौजवान नस्ल को, हमारे स्टूडेंट्स को अपना टाइम आएगा पर नहीं लाना, अपना टाइम लाने पर लाना है कि हमारा टाइम आएगा। कैसे हम लाएंगे? हम कोशिश करेंगे, हम एफर्ट करेंगे। आज हम दुनिया में तरक्की पजीर है तो हम हाथ पे हाथ रख के बैठे नहीं कि भी हमें हमारा भी टाइम आएगा, हम तरक्की याफ्ता कौमों में शामिल होंगे। हमें तरक्की याफ्ता कौमों में शामिल होने के लिए एफर्ट करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। इसी तरह जैसे हम दहशतगर्दी की दलदल में फंसे हुए थे, हर तरफ बम धमाके थे, खून रेजी थी, हम हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहे। हमारी अफवाज ने, हमारी एजेंसी ने मेहनत की और वो टाइम लाए कि आज हम पूरा, हमारा पूरा मुल्क अमन का गहवारा है। आज अगर हम में नफरतें हैं, हम एक दूसरे से जुदा है, तो हम आप हाथ पे हाथ धरे ना बैठे कि भी एक टाइम आएगा जिसमें हम मोहब्बत देंगे। वो टाइम हमें लाना पड़ेगा, आपस में मोहब्बत रख के, रवादारी रख के। आज हमारी यूनिवर्सिटीज दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में शामिल नहीं है, उनकी रैंकिंग में नहीं आ रही, तो क्या हम या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे कि भाई अपना टाइम आएगा और फिर हमारी यूनिवर्सिटीज सारे फेहरिस्त यूनिवर्सिटीज होंगी? नहीं, इसके लिए हमें कोशिश और एफर्ट करनी पड़ेगी। हमारा तालीम निजाम हमें प्रोटेक्शन नहीं दे रहा, वो जहन, वो माइंड नहीं दे रहा, तो हम बैठ जाए हाथ पे हाथ रख के, नहीं अपना टाइम आएगा। वो हमें टाइम लाना पड़ेगा, निजाम इस्लाहात लानी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। हमें अपने स्टूडेंट्स को बताना पड़ेगा कि रियल लाइफ है, यहां टाइम आता नहीं, टाइम लाना पड़ता है, इसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। लॉटरी नहीं है कि आपने लॉटरी डाले निकल आएगा, ये वो रेस है, वो दौड़ है, जो सबसे ज्यादा एफर्ट करता है, जो सबसे ज्यादा कोशिश करता है, उसका टाइम आता है। तो आज स्टूडेंट्स को, नौजवान नस्ल को, हमारे ब्यूरोक्रेट्स को, हमारे सियासतदानों को, हमारे अफवाज को, हमारे हर शोबा चार की जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले फर्द को यह बताना है कि हमें अपना टाइम लाना पड़ेगा, एफर्ट से, खलूस से, तदब्बुर से, हिकमत से, कोशिश से और चाहते मुसलसल से। और जरूर हमारे कौम में इतना पोटेंशियल जरूर है, इतनी ताकत, इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत, इतना तदब्बुर, इतनी हिकमत जरूर है कि हम अपना टाइम जरूर लाएं।